मैम बताइए जरा। मैम यस मैं जो रॉकेट्स वापस आते हैं मैम आउट ऑफ अर्थ जाकर, वो कैसे आते हैं वापस अर्थ पे? वो तो बेटा फिर उसका ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है ना, एस्केप वेलोसिटी धीरे 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 फिर कम करनी पड़ती है। वो तो ह्यूमन वाले होते हैं जिसमें मैन्स भी जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, उनका थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट होता है। ये तो लैंड कर गए ना, ये जो सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं ना, जो भेजा जा रहा है, लैंडर गया है, रोवर गया है, ये सब तो लैंड कर गए। सिर्फ वो सरफेस के ऊपर वो मूव करेंगे, और जहां जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो अराउंड द प्लैनेट्स मूव करते हैं, मैडम वो सरफेस के ऊपर लैंड नहीं होते हैं। तो दैट इज सम डिफरेंट प्रोसेस। ओके चलिए, ये समझ आया बेटा सबको? सो द न्यू मैम टॉप। अब यस हां जी बेटा बोलो। मैम, जैसे जो लॉन्च होता है तब वहां पे काफी सारे बूस्टर्स वगैरह वहीं छोड़ देते हैं, तो आगे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते? क्या चीज दोबारा बोलो। जैसे जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं कोई भी, तो जाके उसके काफी सारे हिस्से हो जाते हैं अलग अलग डिटैच हाँ बिल्कुल, सारा अलग हो हो जाएगा। जैसे पहले रॉकेट था, रॉकेट के अंदर वो रॉकेट सेपरेट हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है, एलवीएम आया था, एक और रॉकेट होता है, मतलब कि उस इस जो हमारा लैंडर था ना, उस लैंडर को मून तक पहुंचाने के लिए भी एक रॉकेट होता है, वो भी फिर अलग हो जाता है। अब आगे बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम। जो चीज नहीं चाहिए होती वो तो अर्थ के ऑर्बिट में घूमती रहती है, वो आगे क्रैश क्रूश नहीं होती किसी बेटा स्पेस इतना अनदर बड़ा स्पेस है ना, इतना बड़ा स्पेस है, यू जस्ट कांट इमेजिन। हमारा सन का जो साइज है ना, वो हमारी अर्थ की अप्रोक्सीमेटली 3.5 लैक्स अर्थ के साइज जितना तो अकेला सन है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 लैक्स अर्थ जितना सन है। तो यू कांट इवन इमेजिन द साइज ऑफ द यूनिवर्स, है ना? अभी तो बोलते जैसे हमारी गैलेक्सी है, हमारे जैसे सर्वाइवल है ना, अर्थ है, सन है, ऐसी पता नहीं कितनी और गैलेक्सीज है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है स्पेस में, हमारे जैसे ही बिल्कुल, कहते हैं सब कुछ वैसे ही है, बाकी पता नहीं अभी कितना ट्रुथ है कितना फॉल्स है, बट सुना है मैंने, ठीक है? तो इतना तो वो विदाउट वहां पे ग्रेविटेशन तो है नहीं, पार्ट सारे इधर उधर घूमते रहते हैं, इतना बड़ा स्पेस है, कहाँ जाते हैं किसी को भी नहीं पता वो तो। ठीक है बच्चे, चलिए ओके चलिए, मैम। ये आपको अब यहां पर चीज देखिए। अब जो यहाँ पर फोर्स ऑफ गैसेस था, ये जो गैसेस ने फोर्स लगाया इज इक्वल इनटू द फोर्स ऑफ रॉकेट। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, किसका ऑन है, स्विच ऑफ द माइक। ठीक है, फोर्स ऑफ गैसेस इक्वल टू फोर्स ऑफ रॉकेट, जितना गैसेस ने फोर्स लगाया उतना ही रॉकेट पे फोर्स लगा, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, दैट इज व्हाई वी विल पुट द नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है, नेगेटिव सिर्फ एक डायरेक्शन को दिखाने के लिए है। आप मुझे बताओ कि फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स इज स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर का पहले तो ये बताओ मीनिंग किस किस को पता है? यस चलिए, स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड विद देम, वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विद देम। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड होते हैं क्या? मुझे पता लगता है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लग रहा है, पता लग रहा है ना हमें, पता तो लग रहा है ना, मैंने यहाँ पे कितना फोर्स लगाना है, 2 न्यूटन लगाना है कि 100 न्यूटन लगाना है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। बट साथ में मुझे ये भी तो पता है ना, जो फोर्स लगना है वो कौन से डायरेक्शन में जाना है। अब गैसेस को पता है मैंने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, रॉकेट को भी पता है मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन मैटर्स हेयर। ठीक है, अलोंग विद द मैग्नीट्यूड द डायरेक्शन ऑल्सो मैटर। जहां पर ये दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जहां पर दोनों हो
तो वो क्वांटिटी होती है वेक्टर। फोर्स इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन हमें चाहिए होती है। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर? यस यस लास्ट क्लास में मुझे थोड़ा सा मैम, रिमाइंड करवाओगे हमने किया यस क्या था? आई थिंक फर्स्ट लॉ हो गया था, लॉ ऑफ इनर्शिया भी हो गया था, मैं यस लॉ ऑफ यस मोमेंटम कर लिया था हमने, यस आई थिंक मोमेंटम भी हो गया था, है ना? मोमेंटम हो गया था, करेक्ट किया यस था, जिसमें फॉर्मूला था पी इक्वल्स टू एम वी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आई थिंक किया था ये सब, है ना? मैम यस मैं रिवाइज करवा देती हूँ, नो यस प्रॉब्लम, वी विल रिवाइज द थिंग। थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ आया बेटा सबको? ठीक है, यस बार दोबारा रिपीट करना। कैन एनीवन गिव मी अनदर एग्जांपल मैम ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन? वॉकिंग यस, फॉलिंग ऑफ दोबारा बोलो क्या गर्ल का बोला? सिंगिंग मैम, वॉकिंग वर्किंग ऑफ व्हाट? मैम, नो वॉकिंग 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 ऑन अ वॉक, ग्राउंड मैम, यस यस वॉकिंग ऑन अ� ग्राउंड, वेरी गुड। स्विमिंग रिकॉलिंग ऑफ गन, स्विमिंग मैम, स्विमिंग, स्विमिंग वेरी गुड। मैम, हॉर्स मैन एंड पुलिंग द डॉग कार्ट, हॉर्स एंड पुल द कार्ट, वेरी मैम, गुड। रनिंग मैं रनिंग मतलब इट मींस काफी से बच्चों को पता है, इवन इसमें एक एग्जांपल आती है रिकॉइलिंग, यस रिकॉइलिंग ऑफ गन, दिस इज द टॉपिक इन योर सिलेबस ऑल्सो, एंड दिस ऑल्सो वर्क थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन ठीक है, सो हाउ इट वर्क्स, गन है, गन से जब शूट किया जाता है, जैसे कि लेट अस से ये गन है एक, ठीक है, मुझसे अच्छे से बनेगी नहीं, तो यहां से बुलेट गई, ये आगे की तरफ जा रही है बुलेट हमारी, एंड आपने देखा होगा कि जब कोई शूट करता है तो गन पीछे की तरफ, तुम में से तो हमने तो किसी ने नहीं की, बट हमने देखी बहुत बार है शूट होती है, मूवीज में भी देखी होगी, वैसे भी देखी होगी, जब शूट बुलेट आगे जैसे ही निकलती है तो गन कहाँ जाती है? बैक साइड, थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करती है, ऐसे ऐसे जाती है ना, तो यस दिस ये जो बैकवर्ड मूवमेंट है गन की, इसी को हम बोलते हैं रिकॉइलिंग, रिकॉइल होना, कॉइल होता है घूमना, रिकॉइल मतलब आगे गई पहले और फिर पीछे है। ठीक है बच्चे, और का रिकॉइलिंग, यहाँ पे बुलेट का फोर्स कहाँ लग रहा है? आगे की तरफ, एंड गन का फोर्स कहाँ लग रहा है? बैक साइड। बोथ फोर्सेस आर इक्वल, बट एज दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो वी पुट द निगेटिव साइन। समझ आया? मैम, जितना दूर बुलेट जाती है उतना ही फार अवे गन क्यों नहीं आती है, ये कौन बताएगा मुझे? ये तो सबको पता है ना, बुलेट विल मूव वेरी फार, है ना? व्हेन वी शूट समथिंग द बुलेट विल मूव अ लॉन्ग डिस्टेंस, बट द सेम डिस्टेंस इज नॉट कवर्ड बाय द गन, व्हाई सो? मास पकड़ी होती है आपने पकड़ी होती है, एक तो हमने होल्ड किया हुआ है डेफिनेटली, एंड दूसरा गन का जो मास है बुलेट के मास के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, समझ आई बेटा ये चीज? इसलिए वो बैकवर्ड मूवमेंट कम दिखाएगी, फोर्स इक्वल लग रहा है। ठीक है, अब एक छोटे से बच्चे ने या एक वीक पर्सन ने किसी हेल्दी पर्सन को थप्पड़ मारा, दोनों के ऊपर फोर्स इक्वल लगा, ठीक है, बट क्या हेल्दी वाला हिलेगा? नो, नो चांसेस तो कम है हिलने नो के, है ना? बेचारा यस मारने वाला ही गिरेगा जाकर कहीं और, है ना, क्योंकि उसका मास कम यस था। ठीक है बच्चे, ज्यादा चलिए। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, हमने एक एग्जांपल नॉर्मली देखते हैं, मैंने कुछ भी फॉल किया, मैंने ये मार्कर फॉल किया तो ये कहाँ आया? नीचे की तरफ, नीचे गिरा। यस अब हम ये बोलते हैं कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ऐसा बोलते हैं हम? थर्ड लॉ यस मोशन में क्या कह रहे हैं? यस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, किसी
अगर इस ये मार्कर नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है, सेम फोर्स मार्कर भी लगा रहा है अर्थ के ऊपर। जितना फोर्स अर्थ ने मार्कर पर लगाया, मार्कर ने भी उतना ही फोर्स लगाया, बट मार्कर की ही मूवमेंट क्यों दिखी हमें अर्थ की तरफ? अर्थ क्यों नहीं मूव कर रही है? मास ज्यादा है हर तरफ। दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज अर्थ हैज मोर मास। तो यहीं से हमारा लॉ निकलता है बेटा, मोमेंटम की टर्म्स। मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पर। ये चीज आती है हमारी मोमेंटम। इज दैट क्लियर? इसके लिए पास दो तीन चीजें है बेटा। ये मुझे एक बार तो सेक्शंस बताओ कि अब कौन कौन सा सेक्शन इस टाइम हमारे पास ज्वाइंट है। और कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में टोटल तीन सेक्शंस में? मैं 9th A में 39। मैम 9th C में 41। एक सेक्शन में ही 41 है और मेरे पास इस टाइम टोटल पार्टिसिपेंट ओनली 36। मतलब एक ही सेक्शन के बच्चे कंप्लीट नहीं है मेरे पास, है ना? हमारी क्लास के बच्चे को बारिश भी घूमते रहते वो क्लास के। मुझे तो लगता है आपकी क्लास स्कूल में भी कंप्लीट नहीं होती है। जुगराज घूमता है बाहर। अच्छा चलो कोई बात, पढ़ लिया इसको वैसे बोलता रहता है। ये मैं रूम में चल जाता है बहाना लाके, मैं ऐसे घूमता रहता है मैम। मैं युगराज ही घूमता है बाहर, मैं ढूंढना पड़ता है इसको। मैं एक बार ऐसे मैं रूम का बहाना लाके घूमने लग गया, मसीह ढूंढा इसको। नहीं, उसके घूमने का तुम्हें दुख हो रहा है या खुशी हो रही है? खुशी खुशी हो रही है। और फिर उसको डांट पड़ती होगी टीचर से, घूमता रहता है। यस, कैद बताता रहता है क्लास में वो। चलो अब पढ़ लें मैम। यस मैम। यस यस मैम। अब गर्ल्स की आवाज आई है, और जब गप्पे मार रही थी तब बॉयज की आवाज आ रही है ना? जैसे पढ़ने का नाम। यस यस मैम। मैं यस। अच्छा बॉयज भी पढ़ रहे हैं। बहुत चलिए करें काम। यस चलिए हम लोग अगर आपके पास वर्कशीट होती ना बेटा, हम वर्कशीट डिस्कस कर लेते थोड़ी सी। एनी हाउ थोड़े जर्नल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मोमेंटम समझ लेते हैं एक बार। मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला बोल सकते हो, डेफिनेशन फिलहाल लिखने में आपको यही मिलेगी, बट इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? ठीक है, अच्छा जब आप लिखना शुरू करते हो, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, तो एकदम से फास्ट लिखने लग जाते हो, धीरे 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 स्पीड इंक्रीज होती है मैम? धीरे 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 धीरे, मतलब स्टार्टिंग की फ्यू लाइन धीरे धीरे, कुछ वर्ड्स, कुछ स्पेलिंग्स, मतलब कुछ लाइंस किसी की पहले थोड़ी स्लो होती है, एंड देन इट विल बिकम फास्ट। ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट रनिंग, तो कैसे रन करना स्टार्ट करते हो? एकदम से बहुत स्पीड पिक कर लेते हो या धीरे धीरे स्पीड पिक होती है? मैम स्लोली स्लो एंड देन फास्ट, स्लो एंड देन फास्ट। एंड व्हेन यू वांट टू स्टॉप देन व्हाट विल हैपन? मैम फिर भी धीरे धीरे से स्टॉप होते हैं, एकदम से स्टॉप नहीं हो पाते। स्टॉप, ठीक है। आपको पता जो हमारा चंद्रयान था, ये भी पहले धीरे गया और फिर इसकी स्पीड कितनी एक्वायर हो गई थी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज इट? किलोमीटर कितना बोलो? 5000। यस, 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा जो चंद्रयान है वो मूव कर रहा था। कैन यू इमेजिन? बट इतनी स्पीड पहले नहीं थी ना? नो no. पहले नहीं थी। वो जब बाहर निकला उसके बाद वो 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उसने मूव करना स्टार्ट किया। और लैंडिंग किस स्पीड पर हुई है?
लास्ट के हमें बार बार सुनने में आना था न्यूज में कि लास्ट के 18 मिनट्स 19 मिनट्स जो है वो बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा उसकी स्पीड को कम करना है। 5,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने पे लेकर आना था उसको? धीरे धीरे एट द टाइम ऑफ लैंडिंग 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उसको लेकर आना था, स्लोली स्लोली उसकी स्पीड कम करके। ठीक है, मतलब रुकने में भी हम ये जो स्पीड थी ना, इसी को सॉफ्ट लैंडिंग बोल रहे थे बार बार, सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। ताकि सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स जो हमारा सैटेलाइट है वो एकदम से क्या है, 0 किलोमीटर की स्पीड, जीरो स्पीड है तो वो चलेगा नहीं, तो लैंड उसकी लैंडिंग जो होगी वो आराम से हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये चीज। ठीक है, अब मोमेंटम में भी यही चीजें हैं बेटा, तभी मैं आपको बार बार इससे लिंक करके समझा रही हूँ ताकि आपके फ्रेशली माइंड में रहे ये चीजें ना। व्हाट इज मोमेंटम? ये तो हमने डेफिनेशन देख ली, इसकी यूनिट देख लो। यूनिट कैसे बनती है? मास की यूनिट केजी और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कोई मुझे फोर्स की यूनिट बताएगा एक्सेप्ट न्यूटन? फोर्स का न्यूटन। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं मास इनटू एक्सलरेशन, देन व्हाट विल बी इट्स यूनिट? एमए एमए तो फॉर्मूला है। न्यूटन 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 वाली नहीं चाहिए, न्यूटन वाली यूनिट नहीं चाहिए आप। चलो फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू व्हाट? ये वन बहुत केजी इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पक्का आपके पेपर में डालना है, देखना। ठीक है, आप थर्टी फाइव रहने थर्टी फोर स्टूडेंट्स का बेनिफिट होने वाला है, हमने दो। कुछ यस बता दिया आपको। ठीक है, चलिए 1 न्यूटन इक्वल्स टू एम इंटू ए, कोई ऐसा यूनिट बताएगा मुझे इसकी क्या बनेगी जैसे मैंने इसकी बनाई है? कैन आई केजी मीटर पर सेकंड केजी स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास केजी की केजी। वेरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड, शाबाश। इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिख देते हैं, माइनस। ना टाइम वाला भी तो सुनो उसे ठीक उसे है तो बच्चे, पढ़े। तो दिस इन दिस वे वी विल राइट द यूनिट्स। बेटा मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक के ऊपर काम कर रही हूँ फिलहाल, वही समझा रही हूँ जहां मुझे लगता है बच्चों को ज्यादा समझ आनी चाहिए चीजें। याद करने वाले पार्ट्स नहीं समझा रही हूँ कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स। ठीक है, अब मोमेंटम पर वापस आते हैं। अब मोमेंटम कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए एंड बी। इसका मास है 5 केजी, इसका मास है 5 केजी। ये चल रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, ये चल रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। विच विल हैव मोर मोमेंटम? विच मोमेंटम विल हैव मोर मोमेंटम? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज द मास, दिस इज द वेलोसिटी। कैलकुलेट कीजिए, ये 5 इंटू 10, ये आया हमारे पास 50 केजी मीटर्स पर सेकेंड। एंड यहां पर कितना मिलेगा हमें? 5 इंटू 20, यहां मिला 100 केजी मीटर्स पर सेकेंड। किसका मोमेंटम ज्यादा था? विच हैज मोर मोमेंटम? बी का बी मोमेंटम ज्यादा। तो आपने ये नोट करना है एंड लीस्ट के बाद लिखी, ये नोट करो जरा, पहले नोट इट डाउन, ऊपर मैं लिख लिए ना मोमेंटम हेडिंग डालकर। टॉपिक का नेम नीचे दिख नहीं रहा हूँ। दिख नहीं रहा? मैं 1 मिनट कैमरा देख लेती हूँ। कहाँ तक दिख रहे हैं बेटे आपको? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ये दिख रहे हैं? मैम। यस ये दिख रहे हैं? मैम। यस इसका इसका मैं मल्टीप्लाई इससे नीचे नहीं दिख रहा। इसका मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई आंसर। करके लिख दो 50 किलोमीटर, 50 केजी मीटर्स पर सेकेंड। इसका मल्टीप्लाई निकालना आता है मल्टीप्लाई करना? मैम। कर भी रही है इनको पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। यस। अच्छा
देखो देखो, किसी को नहीं आता तो 20 × 5 करना, फिर मैं ऊपर लिखो। आई होप सबको आता होगा, 5 × 20 कितना होते हैं? एम बी 100। एस अरे थैंक 100 यू सो मच। मैं यस मैं फाइव वेलकम का टेबल रीड किया 20 तक या 20 का 5 तक? 5 मैं 5 नहीं ट्वेंटी का सिंपल फाइव 5 तक मैं 5 10 का 50 एंड 5 20 100 50। वेरी गुड, ठीक है जी, चलो ठीक है। ये हम अब वैल्यू देखो किसकी ज्यादा ही, ए की ज्यादा या बी की ज्यादा ही मोमेंटम की। बी मैम की बी की। नाउ इसके नीचे एक नोट लिखो, नोट बना के हेडिंग लिखो, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल मैंने शायद लिखवाया था लास्ट टाइम भी ये पॉइंट। वी कैन सी दैट, वी कैन सी दैट व्हेन द मासेस आर इक्वल, व्हेन द मासेस आर इक्वल ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देन द ऑब्जेक्ट विथ, देन द ऑब्जेक्ट विथ मोर स्पीड, और ब्रैकेट में वेलोसिटी भी लिख लेना, देन द ऑब्जेक्ट विथ मोर स्पीड ब्रैकेट में वेलोसिटी हैज मोर मोमेंटम, हैज मोर मोमेंटम। लिख लिया बच्चे? अब एक सिचुएशन, नाउ आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई। वन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 20 kg एंड अनदर ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 15 kg, बट बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 10 m/s। देन फाइंड द मोमेंटम। किसका मोमेंटम कितना है? दोनों का मोमेंटम फाइंड कीजिए जरा। तो मैम x 200 एंड y 150 मास इनटू वेलोसिटी दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। एक मैम तरीके यस से आपके न्यूमेरिकल भी हो रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आपको दो सिचुएशन दे देंगे एंड पूछेंगे कि कैलकुलेट करके बताओ किसका मोमेंटम कम है, किसका मोमेंटम ज्यादा है, टोटल मोमेंटम कितना है दोनों का, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आते हैं, करेंगे वो भी क्वेश्चन। तो ये है तो आपका आ गया 20 × 10। दिख रहे बेटा यहाँ तक? मैम यस अच्छा यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 × 10, तो ये कितना आया? 150 m/s। सो व्हाट रिजल्ट यू गॉट फ्रॉम दिस? यहां से क्या रिजल्ट निकला आपका? मोमेंटम यस बेटा, यस एक्स हैज मोर मोमेंटम, बट इसको हम कंप्लीटली लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा लिखो जरा। ये नोट कर लिया बेटा सबने? कर मैम नो लीजिए, नोट कीजिए जरा जल्दी से। एक्सक्यूज डन? मी यस बेटा बोलिए। मैम, आपका कैमरा बीच में ऑफ हो जाता है। नहीं बेटा, मेरा तो कॉन्टिन्यूस चल रहा है। वो पिन नहीं लगाई उन्होंने ना, पिन लगानी पड़ेगी 2 टाइम टच करके इनको। अच्छा देखो बेटा फिर क्या करना है, मुझे नहीं नॉलेज इस चीज की, क्या करना है? हमने पिन किया हुआ आपकी फोटो, जैसे बार बार किसी और का जो बोल रहा है उसका नेम आई जा रहा है, तो ऐसे कह रही है। वो अच्छा मेरे पास क्यों शो नहीं कर रहा ऐसा कुछ? तो हम जैसे हम बोल रहे हैं ना, हमारा ये तो सेट है, पहले हाँ पहले हो रहा था, हमने पिन कर दी, हमारा सेट है, आपकी फोटो आ रही है अभी तो। अच्छा, तो बाकी भी कर लो बेटा ऐसे ही। मैं 2 टाइम है टच करना पड़ेगा, पिन हो जाएगा। नहीं हम कर रहे लेकिन हमारा हो नहीं रहा। हाँ हमारा भी नहीं हो रहा। ज्वाइन कर लो बेटा एक बार नहीं फिर से। हमारा भी नहीं हो रहा।
क्यों? एक बार मैम रीजॉइन कर लो, रीजॉइन करके देख लो। ओके मैम। हाँ एक बार रीजॉइन। आपकी ऐसे फोटो है ना एक साइड पे, जैसे नेम है हाँ वहां पे आपकी, जो आपकी वैसे आ रहे हैं आप टीच करे, उसको 2 टाइम क्लिक क्लिक करके ना आपकी आ जाएगी, पिन हो जाएगी वो। मैं अपने स्क्रीन पे कर रही हूँ तो मेरे तो फुल स्क्रीन मोड आ रहा है ना मैम ये मैम। सबका आ रहा है, आपका कर मैं हो गया मैम हो गया। अभी हो रहा है ना, हमने कहा था क्लास में ऐसे करते मैम, क्लास में की है ना। ओके बेटा, जुगराज वैसे करो अभी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो। चलिए इसके लिए लिखिए, जरा नोट लिखिए इसके नीचे, इस एग्जाम्पल के नीचे। अभी तक रीजॉइन करके देख लो बेटा एक बार, फिर हो हमारा भी जाए। नहीं हो रहा है मैम, हमारा भी नहीं हुआ। फिर कैसे करें बेटा? ये मेरे एंड से कुछ होना है तो मुझे बताओ। मतलब वो तो जो है जिन्होंने क्लास है, हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ में, हम भी कर सकते इसको पिन। मतलब हाँ पिन, अपना पिन तो पर्सनली खुद ही होगा ना। वो तो साइड पे कही हो, अभी जिनको डी सेट के उनको पता नहीं लगा होगा ना, साइड पे ऐसे होगा। अच्छा, चलिए बेटा इसके नीचे नोट लिखिए जरा। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन सी दैट, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन सी दैट फॉर वी कैन सी दैट व्हेन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव विद सेम स्पीड, व्हेन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मैं दोबारा से बोल फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन सी दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स When two objects having same masses moves with different speed, नहीं मैंने same masses लिखवा दिया बेटा, different masses कर दो। When two objects having different masses moves with same speed different masses and same speed, different masses and same speed, then the object which has more mass, then the object which has more mass, more mass has more momentum, has more momentum. लिखिए बेटा। चलिए मैम यस ओके बेटा, मुझे यस इस चैप्टर में बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबका चैप्टर फिनिश हो चुका है ये वाला, कोई कुछ पर्सनली अपना पूछना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी बताइए जरा। चलो चलिए मुझे बताइए, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, मैं जो स्टेटमेंट बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना कि मैंने ठीक बोली या गलत बोली। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ सिंगल बॉडी, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स ओके, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, मैम, ट्रू मैम ट्रू ट्रू अच्छा थर्ड भी अभी स्टेट ट्रू मेरे पास, एक्ट ऑन थ्री डिफरेंट बॉडीज, फॉल्स 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 बॉडीज। जैसे सपोज मैंने इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया तो एक बॉडी मेरा हाथ और दूसरा ये बोर्ड, तो टू बॉडीज, ठीक है?
क्लियर हुआ? आप क्लैप भी कर रहे हो तो क्या हो रहा है? एक ये बॉडी, बॉडी मतलब ये नहीं कि मतलब दो चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, बॉडी कहने का ये मतलब है, ठीक है? आप वॉक कर रहे हो, आपका शू एंड आप फ्लोर, वो भी तो टू डिफरेंट बॉडीज हो गई, ठीक है जी? चलिए आप मुझे एक और बताइए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू 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 ओके, और आप में से कौन मुझे ट्रू लॉ ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन करेगा? चलिए, हु विल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनर्शिया? The tendency of a body to remain in its state of motion or rest along a straight line is called as inertia of the body. शाबाश, मतलब भी समझा दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लॉ ऑफ इनर्शिया? कोई भी बॉडी है, अगर वो मोशन में और जो रेस्ट में हो वो स्ट्रेट लाइन में रहेगी, उसे हम कहते हैं. ओके, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? दिस इज द प्रॉपर्टी यू कैन से ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट कि वो अपने आप ना तो मूव कर सकता है ना रुक सकता है. आपके रूम में फैन लगे हुए हैं, मैंने उसकी भी एग्जाम्पल दी थी, आप जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे तो वो फैन रोटेट करेगा ही नहीं, करेगा वो रोटेट? जब आप नो वो चलाना बंद कर देते हैं, हम विंटर्स में फैन बंद कर देते हैं, कोई भी नहीं चलाएगा, तो फैन की ब्लेड उस वक्त जिस डायरेक्शन में है ना वो वहीं रहेंगे, वो हिलेंगे ही नहीं. क्यों नहीं हिल रहे? वो वहीं रहेंगे ऑफ है क्योंकि ऑफ मैम, की है, हमने बिकॉज ब्लॉक ऑफ करके इनर्शिया लिखा ऑफ हुआ है. रेस्ट, एक्सटर्नल इनर्शिया ऑफ फोर्स. रेस्ट पे है, वी आर नॉट गिविंग द विंग्स अ फोर्स. हमने स्विच ऑन नहीं किया, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं लगाया उधर, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक चीज ना दोनों इकट्ठा काम करती है, ये आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है? हम वो भी एक फोर्स ही देते हैं, जब हम स्विच दबाते हैं ना तो करंट जाता है, करंट क्या करते हैं, एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं, और वो क्या, वो स्टॉप हो जाएगा अपने आप. पूरा दिन वो फैन चल रहा है, आपने स्विच को ऑफ ही नहीं किया तो वो फैन चलता ही रहेगा ना. मैम यस मैम स्टॉप करने के लिए भी यस आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा. अब वो फोर्स कैसा होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए? अगर सपोज करो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर में पहले इस तरीके से जा रहे थे, ऐसे ऐसे करके इस डायरेक्शन में, तो अब मुझे फैन को रोट और ये फैन को रोटेट कर रहे थे, ये फैन के ब्लेड्स हैं, ये फैन को क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, ठीक है? अब मुझे फैन को स्टॉप करना है तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी मुझे? ऑपोजिट मैम ऑपोजिट. ऑपोजिट मतलब जब भी मुझे किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है तो मुझे फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा, फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? आपने किसी ने बॉल को रोल किया, अब वो रोल होती जा रही है, रोल होती जा रही है, अब उसको स्टॉप करना है, तो जिस डायरेक्शन से आपने उसको रोल किया था वहां से स्टॉप करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टॉप करोगे? तो ऑपोजिट डायरेक्शन. इट मींस जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, ये बॉल थी लेट अस से, है ना, ये बॉल है आपकी, दिस इज द बॉल, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, अब ये रोल करती जा रही है, ऐसे रोल करती हुई यहां पर पहुंच गई वो, लेट अस से ऐसे पहुंच गई, अब ये चलती जा रही है, अब आपने इसको स्टॉप करना है तो कैसे लगाओगे? यू विल अप्लाई द फोर्स फ्रॉम दिस साइड, यस तो इट मैम मीन्स यस जो अपो इसको हम बोलते हैं बेटा अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स मतलब ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, समझ आया बच्चे? तो यस यही बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, द ऑब्जेक्ट विल नॉट एबल टू मूव बाय इटसेल्फ, मूव नहीं करेंगे. आपने स्टोर में कोई चीज रख दी 2-4 साल पहले, हिलाई नहीं वहां से, वही पड़ी है, हिलेगी भी नहीं जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा. समझ आया बेटा ये? यस यस जब कोई भी चीज स्टॉप कब होगी, जब ऑपोजिट डायरेक्शन पे उसके ऊपर फोर्स लगेगा. सो इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया.
इनर्शिया क्या चीज है, कोई खाने की चीज है मैम? नो, दिखते हैं वो? नो, दिखते हैं मैम? नो, टच कर सकती हो मैम? नो, नो, टच भी नहीं। तो ये तो एक नाउन की क्वालिटी बन गई। कौन सा नाउन होता है ये, जिसमें वो फीलिंग्स हैप्पीनेस कौन सी टाइप होती है वो नाउन की, किसी को याद? मैं पंजाबी में बता दे, पंजाबी में बता दो, मुझे पंजाबी भी आती है मैम। भाववाचक, भाववाचक। हाँ इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा क्या था उसका नाम। चलो एनी, हाँ जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो इनर्शिया भी बेसिकली वही चीज है, ठीक है? वी कैन जस्ट फील इट कि अगर ये फास्ट मूव कर रही है, बहुत फास्ट मूव कर रही है, तो हम कहेंगे मोर इनर्शिया है, ठीक है? और अगर ये स्लो मूव कर रही है तो हम कहेंगे लेस इनर्शिया है। हाँ जी बताइए। चेन नहीं हुंदा गया, वॉइस इज नॉट क्लियर, क्या हो गया इसको? और जस और बोल दे तो और दी फोटो आंदी, कल ई दी फोटो आने चाहिए थी। मेरे नहीं हुंदा पे, गूगल मीट वाला नहीं आएगा मेरा, कुछ पेन हो आंदा, इथे पेन नहीं हुंदा। बड़ी दिक्कत आ रही है तुम्हारे पिन की मैम, जुगराज को पता होगा। वो है मैम यस है, कर अच्छा तो पर्सनली आके नहीं ना करके जा सकता सबका, है ना? वो तो खुद का ही कर सकता है। वो तो साइड पे ऐसे, हम अगर आपकी स्क्रीन आ रही है आपकी फोटो का डबल क्लिक करें। स्क्रीन तो नहीं जा रही मेरी, कैसे दिख नहीं रहे हैं आप? मेरी फ्लक्चुएट हो रही है या मेरी वीडियो आ ही नहीं रही है? मैं आपकी तो वीडियो आ रही है, मैम आपकी वीडियो आ रही है, पर जब कोई बोलता है तो किसी और की फोटो आ जाती है सामने। अच्छा इसका मतलब सब ऐसे होता है, सब साइलेंट कर लो फिर अपने आप को, सब म्यूट पे कर लो, ठीक है? हाँ जी सैमसंग SM, अपने आप को भी म्यूट पे कर लो। फोन का नाम देखो, ऐसे लग रहा है राइफल का नाम है, A045F। चलो म्यूट करो, मैं कर देती हूँ आपको। चलिए अभी नहीं आएगा किसी का, ठीक है? अब मत बोलना बेटा, 5 मिनट की क्लास रह गई है आपकी, लेट मी स्पीक, के अब सुन लो, किसी को डाउट हुआ तो बोल लेना बीच में एक आधी बार, ठीक है? चलिए तो यहां से हमें इनर्शिया का भी पता लगा बेटा। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा होगा, एक मेरे पास बॉल है और सेम साइज का मेरे पास एक स्टोन है, ठीक है? एक बॉल है, ठीक है, और ये मेरे पास एक बॉल है और इसी साइज का मेरे पास एक स्टोन है, कौन सा हैवी होगा? ऑब्वियसली हमारा जो स्टोन है इट इज मोर हैवी। मोर हैवी मीन्स मोर मास, बॉल मीन्स लेस मास, ठीक है? तो किसके ऊपर हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? ऑन विच बॉल, ऑन बॉल और ऑन द स्टोन, ऑन विच आई विल अप्लाई द मोर फोर्स? डेफिनेटली इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स एफ ऑन दिस, लेट अस से यहां पर आपने सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगाया, हो सकता है स्टोन को मूव करने के लिए आपको 20 न्यूटन फोर्स लगाना पड़े, क्योंकि ये हेवी है। तो इट मीन्स मोर द मास मोर विल बी द फोर्स, ज्यादा मास है ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा? इनर्शिया मोर हो जाएगा, ठीक है जी? इज दैट क्लियर? इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा? लेस। अब मुझे ये बताओ, एक कार है और एक एरोप्लेन है, दोनों में क्या इंजन सेम लगा होगा? नो नो, इंजन इंजन किसमें होगा? एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन। हाँ इवन अगर मैं टू कार्स की बात करूं, लेट अस एक हमने ले ली ऑल्टो, हमने ले ली रेंज रोवर, किसमें इंजन हैवी होगा? रेंज रोवर, रेंज रोवर, क्योंकि वो बड़ी है, उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, उसको स्टॉप होने के लिए उसकी ब्रेक्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी एज कंपेयर टू ऑल्टो,
क्योंकि उसको रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इंजन्स में फर्क है क्योंकि उनके साइज में फर्क है दोनों के। ऑल्टो छोटी कार है और रेंज रोवर क्या है, एक बहुत बड़ी सी कार। ठीक है, तो दोनों में इंजन का फर्क है क्योंकि बड़ा इंजन ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? मैम यस मैम यस हाँ, ये स्टोन है। ओके बेटा, चलिए अब आई थिंक मुझे लग रहा है काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा चैप्टर का अंदर, चैप्टर का। अगर किसी ने कुछ पूछना तो बेटा बता। डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में की थी, मुझे याद आ रही है कौन सी डेरिवेशन थी, कौन बताएगा? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल्स टू एम ए का हमने रिजल्ट प्रूव किया था। ठीक है, यस मैम, हाँ जी, मम यस ये जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, पहले मैं इसका टेस्ट लूंगी डेरिवेशन का आपका, सब मुझे करके ओके बताएंगे आपके मैम, यस मैम, मैम यस तो एकदम मम यस यस छुट्टी ओके एंजॉय करो। ठीक थैंक है, यू हाँ मैम, चलिए, थैंक यू ओके, मैम, थैंक थैंक यू, बाय एवरीवन, बाय 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 मैम, ना बाय हमें, बाय अब पता लगा कि पिन कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्लास से कर लेना। ठीक है, ओके ओके मैम, बाय, बाय बच्चे, ओके बाय मैम, मैम मैम, थैंक यू फॉर टीचिंग, थैंक यू मैम, ओके, सेम हैव अ नाइस डे, टू यू। मैम थैंक यू मैम फॉर टीचिंग।